गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 20 इन इंग्लिश लैंग्वेज, पोजिशन वर्ड्स। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, द बॉल इज लाइंग नियर द कैट। तो पोजिशन वर्ड होती क्या है? ये हमें किसी पोजिशन बताते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ है और कहाँ से मूव कर रही है। तो कैट है वो मैट पर सो रही है, तो ऑन द मैट, तो ये पोजिशन बता रही है कि कैट है किसके ऊपर, मैट के ऊपर सो रही है। बॉल इज लाइंग नियर द कैट, बॉल है वो कहाँ पर है, कैट के पास है। तो ये पोजिशन बता रही है कि कहाँ है, नियर द कैट। द पपी इज सिटिंग इन द बास्केट, जो पपी है वो बास्केट के ऊपर है, बैठा है। द फ्रॉग इज जंपिंग इन टू द पूल, तो पोजिशन बता रहा है फ्रॉग कहाँ कूद रहा है, पूल के अंदर। सैम इज स्टैंडिंग बिटवीन एन एंड सुई, तो एन एंड सुई के बीच कौन खड़ा है, सैम। गर्ल इज हाइडिंग अंडर द टेबल, जो गर्ल है वो कहाँ छुप रही है, टेबल के नीचे। तो ये पोजिशन है अंडर, बिटवीन, इन टू, ओवर, ऑन। द शिप आर जंपिंग ओवर द फैंस, जो शिप है वो कहाँ कूद रहे, फैंस के ऊपर कूद रहे। ही स्विंगिंग अप, शी स्विंगिंग डाउन, तो अप और डाउन भी क्या है, पोजिशन वर्ड है। द किड्स आर बिहाइंड द डोर, बच्चे दरवाजे के बाहर है, सॉरी पीछे है। द बटरफ्लाईज अबव द फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर बटरफ्लाईज हैं, ओके। द वर्ड्स इन ग्रीन टेल अस द पोजिशन ऑफ समथिंग और समवन, दे ऑल्सो टेल अस वेयर समथिंग और समवन इज मूविंग। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स, तो जो ग्रीन वर्ड्स है वो क्या है, किसी की पोजिशन बता रहे, समथिंग और समवन किसी की पोजिशन बता रहे। और ये हमें ये भी बताते कि कोई भी चीज़ कहाँ मूव, कहाँ चल रही है, कहाँ है। तो ये वर्ड्स ही कहलाते हैं हमारे पोजिशन वर्ड। ये हमारे फिलअप्स है, तो हमें बताना है बर्ड है वो कहाँ है, हट के अंदर है, तो क्या आएगा, इन आएगा। बर्ड जो है हट के अंदर है, तो अंदर के लिए इन आता है। अब जो बर्ड है वो हट के ऊपर है, ओके, तो क्या आएगा, ऑन आएगा, इसकी पोजिशन ऑन है। बर्ड बुक्स के ऊपर उड़ रहा है तो अबव, बर्ड गमले के पीछे छुपा है तो बिहाइंड, पीछे के लिए बिहाइंड। ये बॉक्स के नीचे है तो अंडर, नीचे के लिए अंडर आएगा। अब ये बीच में है तो बीच के लिए आएगा बिटवीन, ओके स्टूडेंट्स। किसी चीज में है तो इन, ऊपर है तो ऑन, और ऊपर है पर उस चीज़ की टच नहीं हो रही तो अबव या ओवर, पीछे है तो बिहाइंड, नीचे है तो अंडर, और बीच में तो बिटवीन। लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पोजिशन वर्ड्स गिवन बिलो, तो आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए, तो आपको इनको देख देख के फील करना है, ये आपको पिक्चर दी हुई है। द डॉग इज डैश द कैनल, अब डॉग कहाँ पर है, कैनल के अंदर बैठा हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, इन। द बर्ड इज डैश द रूफ, बर्ड है वो कहाँ बैठा है, रूफ, छत पर बैठा है कैनल की, तो क्या आएगा, ऑन आएगा। द बटरफ्लाइज आर डैश द पॉन्ड, बटरफ्लाई उड़ रही है पॉन्ड के ऊपर, उड़ रही है तो ओवर, देखो। द फ्रॉग इज हाइडिंग डैश द स्टोन, फ्रॉग, फ्रॉग दिख रहा है आपको, ये रहा फ्रॉग, फ्रॉग छुप रहा है स्टोन के पीछे छुप रहा है, तो क्या आएगा, बिहाइंड। द डक हॉप्ड डैश द पॉन्ड, जो डक है बतख है वो फुदक रहा है, कहाँ फुदक रहा है, पॉन्ड में फुदक रहा है, तो क्या आएगा, इनटू, इनटू द पॉन्ड। द फिश इज डैश द डक, फिश कहाँ है, डक के पास है, तो क्या आएगा, नियर। अभी आपको पिक्चर्स दी हुई है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द क्लाउड्स, रीड द वर्ड्स एंड ड्रॉ ए सन इन ईच पिक्चर, ओके। अबव द क्लाउड, क्लाउड के ऊपर सन है तो ऊपर बना हुआ है सन, नियर द क्लाउड, तो आपको क्लाउड के पास में क्या बनाना है, सन बनाना है, ओके। अंडर द क्लाउड, तो आपको क्लाउड के नीचे सन बनाना है। बिटवीन द क्लाउड, तो आपको दोनों क्लाउड के बीच में सन बनाना है, ओके स्टूडेंट। डू दिस वर्कशीट एट होम, फर्दर एक्सरसाइज विल बी सेंड।